दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पनीर कुलचा। पनीर कुलचा बनाने के लिए हम पनीर ले लिए हैं, प्याज को छोटे छोटे काट लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, धनिया लिए हैं और कुलचे लिए हैं। इनको अच्छे से मैश करेंगे और उसमें हम पनीर कुलचा बनाएंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे बन रहा है। पनीर को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, अब इसको हाथ से मैश करेंगे। ये हमने पनीर, प्याज, धनिया को अच्छे से मैश कर लिए हैं और इसको हम कुलचे के ऊपर लगाएंगे। कुलचे के ऊपर हम लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि चारों तरफ से फैला देंगे। उसके ऊपर हम दूसरे कुलचे लगाएंगे और अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे ताकि वो हो जाए। और हम तवे में बटर लेंगे, बटर लेके कुलचे को वो करेंगे, फ्राई करेंगे। और हमारा ये कुलचा अच्छे से फ्राई हो गया है, फ्राई हो रहा है। इसको हम दूसरे तरफ पलट देंगे, दूसरे तरफ पलटा के अच्छे से इसको सेक लेंगे ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। और हम इसको क्रिस्पी होने के बाद इसको हम प्लेट पर सर्व करेंगे। ये हमारा पनीर कुलचा बनके रेडी हो चुका है। अब इसको सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद।